पपीता का पौधा है लेकिन यहाँ पे फूल उगा हुआ है। 20 डिग्री और सब्जी की खेती बाड़ी। तो ये मैंने कुछ मंगाया था, तो ये भी आ चुका है। अभी दिखाती हूँ क्या है। ये अमीरो वाला फेस वॉश। अब हम जाने के लिए थोड़ा तैयार हो जाते हैं। गरीबों वाली मैं गरीब हूँ। ऐसे ही दिखाते हैं क्या? ये किसी चीज जैसे दिख रही है। ये तो टट्टी है। खत्म। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और आप सबको लेके चलती हूँ मैं बाड़ी, गांव की बाड़ी में। सबसे पहले हमें बाड़ी में जाने के लिए चाबी मांगना पड़ेगा। तो हम लोग पहले चाबी मांगने के लिए आ रहे हैं। कोई है कि नहीं? कोई नहीं है। अंकल हो रही है होली? हो रही। अरे कहना क्या चाहते हो? लाल का घर कहाँ पास है? हाँ यही तो है। कोई है कि नहीं? कोई है कि नहीं अंदर? बाड़ी क्या? बाड़ी खुला होगा ना? हाँ इस घर में ठीक है। पूछ कोई है क्या? भी हम लोग पूछ रहे थे एक और आंटी से कि होरीलाल अंकल जो है वहीं है कि नहीं करके। एक बार हम बाड़ी में जाकर देखेंगे। ऐसे मैं गांव में रहती हूँ। इसको भूख लगी है शायद, है ना? इसको भूख लगी है। चलो तो ये आ चुके हैं हम बाड़ी और ये है विलेज का व्यू। हमारी सबसे खास बात ये होती है कि गांव में जो हरियाली होती है और हरियाली सबको पसंद है। यहाँ सांप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यह है बाड़ी। बाड़ी पे पहुंच चुकी हूँ। अब आप सब लोगों को दिखाती हूँ यहाँ क्या क्या जगह हुआ है। मतलब जगह नहीं अपने से, यहाँ खुद उगाया है हम लोगों ने पपीते। ये पपीता का पौधा है लेकिन यहाँ पे फूल उगा हुआ है। कुछ भी पता नहीं कैसे उग गया, कुछ भी हो सकता है। ये तो कलयुग है भाई, सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये। मतलब कुछ भी। ये लम्बू पपीता है, ये मोटा पपीता है, ये कुछ है यहाँ पे। अब ये बड़ा होके कुछ भी बन सकता है। कद्दू बन सकता है, तरबूज बन सकता है, डायनासोर बन सकता है। लेकिन एक सेकंड, डायनासोर बन सकता है। तो आपको अगर जाननी है कि उस गोल से जो छोटी सी चीज है उसमें से क्या बनेगा, तो आप कमेंट में बताना कि आपको जानना है कि नहीं। फिर मैं आगे का वीडियो और बनाऊंगी इसी पे कि वो डायनासोर का अंडा बना या फिर कद्दू बना, तरबूज बना, खरबूज बना। ठीक है? ठीक है। अरे ये हम लोगों का वेट कर रहा है बहुत देर से। तो ये पुराने जमाने में धूप से बचने के लिए यूज किया जाता था। और ये भी, ये मेरे पीछे पीछे ही जा रहा है, बार बार मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। तो मैं यहाँ पे पहली बार आ रही हूँ और ये बहुत क्यूट है। अभी अभी मैंने 12th पास किया है। मैंने जिंदगी में बहुत सारे बुरे काम किए हैं, जैसे अपने फ्रेंड को परेशान करना, अपने फ्रेंड के बाल पर चिंगम लगा देना, मुंह पर पान खा लेना, और इन सबसे मैंने बहुत मजे लिए। जिंदगी में एक अच्छा काम किया एग्रीकल्चर लेके। अब जिंदगी मेरे मजे ले रहा है। एग्रीकल्चर वालों, बायो वाले, मैथ्स वाले ऐसे देखते थे जैसे ये सिर्फ नल्ले बैठते हैं, इनको पढ़ना वरना कुछ नहीं है। 20 डिग्री और सब्जी की खेती बाड़ी। मैंने बहुत सारे ख्याल आता था कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड को, इन सब चीजों को, इन सबको खिला ही देती हूँ।
खरपतवार पर काम करे या ना करे, या फसलों पर काम करे या ना करे, पर इंसान तो जरूर काम करता है। इसमें तो ताला लगा है। हाय फ्रेंड, मैं बॉम्बे आया था बिजू भाई को मिलने के। बिजू भाई तो मिले नहीं, पर नेक्स्ट टाइम इस बॉम्बे सेंट्रल इस ऑन कमिंग दिस बॉम्बे सेंट्रल इस नेक्स्ट टाइम इस गेट लक इज द नेक्स्ट टाइम इस बाड़ी था, हम बाड़ी से निकल चुके हैं, अब हम जाएंगे खेत में। खेत क्योंकि यहाँ बहुत 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 ज्यादा सुंदर होता है खेत। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल जो हम लेके चलते हैं वहाँ पे पेड़ की बस, क्योंकि पेड़ पर बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। देख के चलो यहाँ पे से हम लोग गिरे सीधा जाएंगे। बिल्कुल भी आ सकते हैं। ये है मेरा गांव, मतलब मेरा गांव उस साइड है और ये हमारे गांव का खेत है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत बोलो। बाहर बांध चुका है। क्या हुआ बाबा, किसने बांधा? टाइम भी आती हूँ तो ये कान नीचे करके बैठ जाती हूँ। बाबा दिखा 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 जिम्मू, कान नीचे कर। हाँ कान नीचे हो गया, गुस्सा हो गई। आई एम सॉरी बाबू, ये गुस्सा हो जाती है। जस्ट किडिंग।